नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड डाइट किसे कहते हैं। देखो, इस मॉडल में बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन अभी मैं तुमसे सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसमें स्ट्रक्चर्ड डाइट के बारे में लिखा है। मैं बना तो ये वीडियो रहा था कि क्या तुम वजन कम कर सकते हो बिना स्ट्रक्चर्ड डाइट के, पर वो बनाते हैं मैंने सोचा कि पहले ये तो बता दूँ कि स्ट्रक्चर्ड डाइट क्या है। तो इस बोर्ड पे पूरा जो लिखा है वो देखोगे तो कन्फ्यूज हो गए, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड डाइट क्या होती है और आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि बिना स्ट्रक्चर्ड डाइट के क्या तुम वजन कम कर सकते हो। तो अभी ये समझो स्ट्रक्चर्ड डाइट क्या होती है। स्ट्रक्चर्ड डाइट मतलब एक डाइट जिसको एक स्ट्रक्चर देके बनाया गया, मतलब एक प्लान करी गई डाइट जिसको तुमने प्लान किया, तुमने सोचा है कि हाँ हाँ यहाँ ये खाऊंगा, ऐसे ऐसे खाऊंगा, इतना इतना खाऊंगा, इससे इससे मेरे शरीर को ये मिलेगा, इस तरीके से प्लान करी है तुमने। स्ट्रक्चर्ड डाइट में कई सारी चीजें हैं, कैलोरीज गिनी जाती है कितनी कैलोरीज खाएंगे, जिसको खिलानी है उसकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, कितनी ऊर्जा वो खर्च करेगा, जो देखेंगे कि पहले से उसकी बीएमआर कितनी है, उसकी बीएमआर का अंदाज़ा लगाया जाएगा, वो कौन सी कसरत करेगा उस हिसाब से उसकी कितनी मेंटेनेंस कैलोरी बनेगी, और फिर इतनी मेंटेनेंस कैलोरी बनेगी तो इसको कितना वजन कम कराना है, वजन कम कराना है उसके हिसाब से कितनी कैलोरी देनी है, कितने कैलोरी देनी है, कितना प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट देना है, कितने विटामिन और मिनरल इसको मिलेंगे, मतलब इसके विटामिन और मिनरल की जो शरीर की जरूरतें वो पूरी होगी नहीं, इसको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे या नहीं, और जो न्यूट्रिएंट वो मिलेंगे या नहीं, ये सब देखा जाता है। ये देखा जाता है कि इस आदमी का की अभी हेल्थ कैसी है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है मतलब कहीं इसने अपने मसल लॉस करके अपनी हेल्थ ख़राब तो नहीं कर ली, कि जिम जाता था और खाना छोड़ दिया था तो इसने अपनी हेल्थ ख़राब तो नहीं कर ली पहले से, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम कर रखा है, इसने कम है तो उसको वापस बढ़ाना है, देखा जाता है काफ़ी सारी चीज़ें। हेल्थ कैसी है, कहीं कोई बीमारी है क्या, कोई बीमारी है तो उसका अलग से, कौन सी बीमारी है, क्या वो डॉक्टर को दिखाने वाली बीमारी है तो डॉक्टर से साथ में बात करी जाए, जो हमारी डाइट चली उसके साथ में डॉक्टर की भी राय चलती जाए या फिर उसकी डॉक्टर की दवाइयाँ चलती जाए, और तबीयत में हो सकता है किसी की हेल्थ ऐसी हो, कोई 65 साल का आदमी हो, कोई हो सकता है 60 साल की औरत हो, सकता है कोई 20 साल का लड़का हो, कोई हो सकता है 25 साल की लड़की हो सकता है कोई एक मध्यम आयु वाला 35 साल का आदमी हो, कोई 40 साल की औरत हो, कुछ भी हो सकता है, वो उनकी उम्र क्या है, हेल्थ में ये भी देखा जाएगा उनकी उम्र क्या है, और हेल्थ में ये तो उम्र में देखा गया, उनकी हेल्थ में ये भी देखा जाएगा कि भाई ये कोई प्रेग्नेंट औरत है क्या, तो इसको क्या देना, प्रेगनेंसी के बाद में भी इसकी बच्चा हुआ है तो उसके मान लो ये 2 महीने बाद आ गई कि मेरा वजन बढ़ गया तो अब इसको क्या करना, किस तरीके से, फिर इसका गोल क्या है, करना क्या चाहता है, वजन कम करना है, इसे वजन जितना उतना रखना है, वजन बढ़ाना है, इस तरीके की चीज़ें, इन सब का ध्यान रखा जाता है, इन्हें ध्यान रखा जाता है, इसके पूरे शरीर का जो पोषण देना है इसको जिस स्थिति में है वो पूरा पोषण इसको मिले, सही खाने की चीज़ों से मिले, ऐसा नहीं गलत खाने की चीज़ों से दे दिया कि कार्बोहाइड्रेट देना है तो लो आइसक्रीम खाओ, ऐसा नहीं, और इसे खाने को दें तो ऐसा नहीं वजन कम कराना तो इसे एकदम कम खाने को दे दिया, इसको मतलब जितना ज़रूरी है उतना खाने को मिले, अच्छा खासा खाना खाने को भी मिले, वजन भी कम हो लेकिन अच्छा खासा खाना खाने को मिले, ताकि इसको पूरे दिन ऐसा नहीं लगे यार भूख लग रही है ऐसे परेशान ना हो, इसे पूरा खाना खाने को भी मिले। फिर डाइट प्लान इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आदमी की मसल वजन कम करते हैं, मसल लॉस नहीं है उसकी, मसल कम ना हो, हो सके तो बढ़े, अगर बढ़े ना तो कम ना हो, सिर्फ जो कम हो चर्बी ही हो, इस तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करी जाती है। तो इन सब चीज़ों इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये सब ध्यान रख करके हम जो एक डाइट बनाते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड डाइट कहलाती है, कि इसको एक स्ट्रक्चर देकर के बनाया गया, ऐसा 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 सब कुछ होगा, मतलब एक प्लान्ड डाइट है, उसको प्लान किया गया, उसको सोच समझ के बनाया गया। तो ये होती है। अब काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप डाइट प्लान देते हो गए, आप डाइटिशियन हो गए, मेरे से कई लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछा, तो हाँ मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ, मैं आपका वजन कम करवा सकता हूँ, बढ़वा सकता हूँ, पर मैं पेड कंसल्टेशन देता हूँ, पेड ट्रेनिंग देता हूँ। कई लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर हमें डाइट प्लान दे दो। मैं जैसे ही उन्हें बताता हूँ कि मैं पेड कंसल्टेशन देता हूँ, उनका कभी वापस मैसेज नहीं आता। देखो यार, ऐसा है कि ये मेरी आजीविका है, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं कुछ तो मैं भी पैसे ले सकता हूँ यार, जो मैं सर्विस टाइम तो मैं दे रहा हूँ उसके बदले में, क्योंकि मैं सारा टाइम दे दूँ और बदले में कुछ पैसे नहीं लूँ तो मैं अपने आजीविका कैसे निभाऊँगा यार, निकालूंगा। और फिर एक और बात भी है कि लोगों को फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती, ये बात भी है, मैंने देखी है ऐसे, ठीक है। और
यूट्यूब पे मैं ऐसे जिस तरीके की वीडियोस मैं शुरू से आखिर तक कोई मेरे वीडियोस देखे तो समझेगा कि मैं एक के बाद एक चीज़ बताया जा रहा हूँ। पहले कोई चीज़ बताता हूँ, फिर उसके ऊपर कोई और चीज़ बताता हूँ, फिर और कोई चीज़ बताता हूँ, अभी कोई चीज़ बताई तो उसके बारे में जो जो चीज़ें चाहिए वो पहले बताई हुई है। इस तरीके से मैं बताता जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें उस रस्ते पर ले जा रहा हूँ जहाँ पे तुम खुद अपना डाइट प्लान बनाना सीख जाओ। किस तरीके की मेरी कोशिश है, पर इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? तो अगर तुम्हें मेरे से पेट कंसल्टेशन चाहिए, तुम्हें चाहते हो कि मेरे से तुम वजन कम करना बढ़ाना सीखो, ये सब मैं खुद कर चुका हूँ। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज और वो सब नहीं डाली यूट्यूब पे वीडियो में, कभी डाल दूंगा आगे अगर जरूरत लगी तो। पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर तुम खुद का डाइट प्लान बनाना सीख भी जाओ तो भी कई बार क्या होता है कि किसी अनुभवी का या फिर कोई थोड़ा तुमसे ज़्यादा जानता है ना, तो उसकी निगरानी रहती है ना, तो ज़्यादा ठीक रहता है। जैसे अगर कोई किसी से ट्रेनिंग लेता तो उसकी जिससे ट्रेनिंग ले रहा है उसकी निगरानी रहती है ना, तो फायदा रहता है। आप कोई गलती करोगे ना, अगर आपने खुद का डाइट प्लान बनाना मेरी वीडियो से सीख भी लिया, मान लो 6 महीने साल भर 1.5 साल में आपने सीख भी लिया, तो क्या है कि आपको उतना अनुभव नहीं है, तो आप अगर किसी से ट्रेनिंग लेते हो ना तो उसकी निगरानी रहती है तो ठीक रहता है। पर मैं ये कहूँगा कि आप जो ट्रेनर चुनो, मेरे को चुनो मत चुनो, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपकी इच्छा है, पर जो भी चुनो ढंग का चुनना, क्योंकि गलत ट्रेनर भी काफ़ी होते हैं, ठीक है? गलत डाइट दे देंगे, गलत बता देंगे, गलत गलत चीज़ें बता देंगे, ऐसे किसी भी बातों में बता दें। इस वीडियो में बताना चाह रहा था स्ट्रक्चर डाइट क्या हो रही है, और बाकी सब मैंने बोनस में बता दिया कि चलो किसी वीडियो में तो बता नहीं है, अभी बता देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। बाकी का जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है उसकी मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करूँगा। नमस्कार।